जंगल में ठंड का मौसम आने ही वाला था चिड़िया ठंड आने से पहले पहले अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बनाने में लगी हुई थी वो बहुत मेहनत से काम कर रही थी वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और घर का काम शुरू करती है उसके पड़ोस में एक कवा और कवि रहते थे जो दोनों ही बहुत आलसी थे वो कोई काम ना करते थे कव्य की पत्नी गोरी कवि चिड़िया को घर बनाता देख अपने पति कालू कव्य से कहती है एक साल हो गया कालू जब तुम ये दरवाजा खरीद कर लाए थे वहीं का वहीं पड़ा है अपने लिए घर ना बना सके मैंने दरवाजा तो खरीद रखा है जब समय मिला मैं बाकी का घर भी बना लूँगा जब ठंड शुरू हो जाएगी तो क्या ये दरवाजा मैं अपने सर में मारूंगी? कालू कवा का थोड़ी देर चुप रहता है और फिर गौरी कवि से कहता है गोरी चिड़िया अपने लिए घर बना रही है और हमारे पास दरवाजा है क्यों ना चिड़िया को घर के लिए दरवाजा देकर चिड़िया के घर में हिस्सा डाल लिया जाए कालू बात तो तुम्हारी ठीक है हमसे घर बनाने का काम भी नहीं होगा और वैसे भी ये दरवाजा एक साल से बेकार ही पड़ा है फिर कौवा और कवि चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया चिड़िया बहुत सुंदर घर बना रही हो ठंड आने वाली है ना? इसलिए मैं ठंड की तैयारी कर रही हूँ चिड़िया हमारे पास एक बहुत सुंदर और मजबूत दरवाजा पड़ा है बेकार ही पड़ा है क्यों ना वो दरवाजा तुम अपने घर को लगा लो मैंने अभी अपने घर का दरवाजा बनाना है अगर आप वो दरवाजा मुझे दे दें, तो मेरा काम आसान हो जाएगा तो फिर ऐसा करते हैं। घर तुम्हारा और दरवाजा हमारा हम इकट्ठे ही सर्दियाँ गुजार लेंगे इस घर में थोड़ी देर सोचने के बाद चिड़िया मान जाती है तो फिर आप वो दरवाजा ले आए हम ऐसा ही करते हैं और एक साथ इसी घर में ठंड के दिन गुजार लेंगे ये सुनकर कव्वा और कवि बहुत खुश हो जाते हैं फिर कालू जल्दी से वो दरवाजा ले आता है चिड़िया आप ये दरवाजा लगाओ और हम भोजन लेकर आते हैं फिर वो दोनों पति पत्नी चले जाते हैं और चिड़िया फिर से काम में लग जाती है आज चार दाने चिड़िया के लिए भी ले जाते हैं। ऐसे चिड़िया हम पर पूरा विश्वास करने लगेगी आज हम ले जाते हैं फिर तो हर रोज चिड़िया ही लाया करेगी अपना भोजन भी और हमारा भी फिर वो ऐसा ही करते हैं। वो जाते हुए कुछ दाने चिड़िया के लिए भी ले जाते हैं। चिड़िया दरवाजा लगने से घर कितना सुंदर लग रहा है बहुत मजबूत है ये दरवाजा अब हम ठंड के दिन सुरक्षित गुजारेंगे ये लो चिड़िया हम तुम्हारे लिए भोजन ले आए हैं। फिर वो सब घर के अंदर चले जाते हैं ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए और ठंड शुरू हो गई। वो सब खुश थे मगर कौ को चिड़िया से एक बड़ी परेशानी थी वो ये कि चिड़िया सुबह सवेरे उठकर भोजन लेने जाती जिससे कौनों की नींद खराब हो जाती चिड़िया आज फिर तुमने मेरी नींद खराब कर दी है इतनी भी क्या जल्दी है थोड़ी देर बाद भोजन लेने जाया करो गौरी बहन भोजन सुबह सवेरे ही मिलता है दोपहर के समय कौन भोजन की खोज में जाता है मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है तुम हर रोज मुंह अंधेरे ही बर्तनों का शोर शुरू कर देती हो कल से ऐसा ना हो फिर चिड़िया चुप करके वहाँ से चली जाती है और कवे फिर से सो जाती है शाम हो जाती है गोरी ये चिड़िया तो हमें सोने भी नहीं देती कालू जी मैं भी बहुत तंग हूँ इस छोटी चिड़िया से तो फिर लगाओ कुंडी अपने दरवाजे की दरवाजा भी हमारा और कुंडी भी हमारी और आराम से सोते हैं और चिड़िया मरेगी ठंड में फिर गौरी दरवाजे की कुंडी लगा लेती है चिड़िया जब भोजन लेकर आती है तो दरवाजे की कुंडी लगी दे कर दस्तक देती है गौरी गोरी, गोरी बहन दरवाजा खोलो मुझे अंदर आने दे ये हमें सोने नहीं देगी मनहूस आ गई है चुड़िया बात ये है कि दरवाजा हमारा है और घर तुम्हारा हम दरवाजा नहीं खोलेंगे इसलिए तुम किसी और रास्ते से अपने घर में आ जाओ कालू भैया खिड़की तो बहुत छोटी है मैं कैसे अंदर आऊँ अगर दरवाजा तुम्हारा है तो घर मेरा है ऐसा ना करें मुझे घर के अंदर आने दें रात होने को है बाहर बहुत ठंड हो गई है चुप करके बैठ जाओ अब हम चिड़िया की चोचू का जवाब ही नहीं देंगे चिड़िया बहुत रोती है बहुत शोर करती है मगर कालू और गोरी आराम से सोए रहते हैं, वो दरवाजा नहीं खोलते सारी रात चिड़िया ठंड में मरती है सुबह हो जाती है और चिड़िया अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है वो कवे बहुत दुष्ट हैं। वो ऐसे नहीं समझेंगे उन्हें सबक सिखाना होगा वो कैसे कबूतर भैया मैं बताता हूँ गोरी और कालू भी सोकर उठ गए थे और वो चिड़िया का जमा किया हुआ भोजन खा लेते हैं गोरी इस भोजन से और कितने दिन गुजर जाएंगे कालू जी अगर थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो दस से बीस दिन तो आसानी से गुजर जाएंगे। उस चिड़िया ने जिंदगी आसान कर दी जी भर के सोते हैं और भोजन भी मिल जाता है कोई तंग भी नहीं करने वाला कालू जी मेरा तो पेट भर गया है चलो फिर से सो जाते हैं बहुत मज़ा है सोने में वो फिर से सो जाते हैं चिड़िया चलो मेरे साथ मगर कबूतर भैया ये आग से क्या करेंगे आप फिर कबूतर चिड़िया को अपनी योजना बताता है मैं सब समझ गई कबूतर भैया अगर दरवाजा का है तो घर तो मेरा ही है ना अब मज़ा आएगा फिर चिड़िया और कबूतर आग लेकर वहाँ से जाते हैं चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है ये जरूर चिड़िया होगी छोटी चिड़िया दफा हो जाओ यहाँ से, कितनी बार कहा है कि हम तुम्हें अपने दरवाजे में से नहीं गुजरने देंगे अगर अपने घर में आना है तो किसी और रास्ते से आ जाओ याद है ना चिड़िया घर तुम्हारा और दरवाजा हमारा है हमारा हो 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 हो, दरवाजे से गुजरने देंगे तो ही तुम घर के अंदर आ सकोगी दुष्ट कवो मैंने बड़ी गलती की जो तुमसे ये दरवाजा लेकर अपने घर को लगा लिया मैंने तो तुम्हारा ही भला सोचा था मगर तुम धोखे बाज निकले हमने कौन सा रोका है तुम्हें घर में आने से आ जाओ मगर किसी और रास्ते से कवो मैं सब सुन रहा हूँ तुमने सच कहा कि चिड़िया का तो घर है और इस घर का दरवाजा तुम्हारा है लो जी गंदी आंखों वाला कबूतर भी आ गया अगर बात समझ में आ गई है तो यहाँ से चले जाओ हमें सोने दो मुझे इस घर की अब जरूरत नहीं है मैं अपने घर को आग लगाने जा रही हूँ तुम जल्दी से अपना दरवाजा हटाओ और यहाँ से भाग जाओ क्यों चिड़िया क्या कह रही हो तुम चिड़िया ना ऐसा ना, न करना कोई अपने घर को भी आग लगाता है क्या जिस घर में आने का दरवाजा ही न हो उस घर का क्या फ़ायदा फिर कवे जल्दी से दरवाजा खोल देते हैं। नाना चिड़िया ऐसा ना करना ऐसा ना करना अगर तुमने घर ही जला दिया तो खाली दरवाजा हमारे किस काम का बहुत चातर बनते हो ना तुम अब पता चला चिड़िया हमें माफ कर दो अपना दरवाजा उठाओ भाग जाओ मैं अपने घर के लिए नया दरवाजा बना लेती हूँ अगर ना गे तो मैं अभी आग लगा दूंगी और जलेगा तुम्हारा दरवाजा भी घर के साथ ही फिर कवे अपना दरवाजा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद चिड़िया अपने घर के लिए अपना दरवाजा लगा लेती है साथ को चिड़िया आराम से अपने घर में सोई हुई थी और दुष्ट कवे अपने दरवाजे